कुलभूषण जाधव, नंबर 4155 जुलू इंडियन नेवी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, भारत को जासूस कुलभूषण तक दूसरी बार कौंसलर रसाई दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो सीनियर सिफारतकारों ने कुलभूषण से मुलाकात की, मकाम को सब जेल करार देते हुए खुफिया रखा गया। कुलभूषण के साथ भारतीय सिफारतकारों का रवैया हैरान कुन था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, का भारतीय सिफारतकारों को दरमियान में शीशे पर एतराज था जिसे हटा दिया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज किया वो भी नहीं की, तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद सिफारतकार चले गए। कुलभूषण बार बार सिफारतकारों को पुकारता रहा लेकिन वो ना रुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास, कराची के लिए बिजली फौरी महंगी करने की तजवीज़ मुस्तरद, टैरिफ में इजाफा मरहलावार करने का फैसला। इमरान खान ने कहा, कीमतों के मामले को हल करने के लिए मुशावरत की जाए, इज्तिमाई हिकमत से मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर नैब भी जाग गया, चेयरमैन नैब का कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म, के इलेक्ट्रिक से माहिदे की कॉपी और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करने की हिदायत। जावेद इकबाल कहते हैं, ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए हथियाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची में लोड शेडिंग पर नोटिस मिलिया ते कक ना हिलिया, शहर में एक हफ्ते बाद भी लोड शेडिंग कम ना हो सकी, फर्नेस ऑयल दिया, इजाफी गैस भी फराहम की लेकिन अंधेरे ना मिट सके, आवाम परेशान, गर्मी से बुरा हाल। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का हाउसिंग का इजलास, मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर इत्तला'आत शिबली फराज की सानिया निश्तर के साथ प्रेस ब्रीफिंग, कहा मंसूबे के लिए बैरून मुल्क रोड शोज करने का फैसला किया, मंसूबे से रोजगार मिलेगा, मईशत को फायदा होगा। मुल्क में तेल का बहरान फिर सर उठाने लगा, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने तेल की सप्लाई मौतल कर दी, ओगरा के अहकाम मानने से साफ इनकार, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने हड़ताल की हिमायत कर दी, ऑयल टैंकर्स पर आए टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ओगरा की दरख्वास्त के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों की गईं, लाहौर हाईकोर्ट का बरहमी का इजहार, मैं इस इकदाम का दिफा नहीं कर सकता, अटॉर्नी जनरल का जवाब, अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये काबीना का नहीं वजीर आजम का फैसला लगता है, पूरी काबीना एक तरफ मावन खसूसी दूसरी तरफ, पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार भी मावन खसूसी लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुलाजमीन से मुतालिक समात, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्ट तरीन इदारा है, घोस्ट मुलाजमीन से भरा पड़ा है, लगता है सारा खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही करता है, बोर्ड तहलील करके अफसरान को फारिग कर देंगे, वुजरा की सिफारिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, असातिज़ा की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर लाहौर लाहौर हाईकोर्ट में पेश, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी, अदालत में कहा डॉक्टरों की हिदायत के बावजूद अदालती एहतराम में आया हूं, तहकीकात के लिए दोबारा नैब में जाने का के लिए तैयार हूं। पीटीआई एमएनए आमिर लियाकत का मुस्ताफी होने का ऐलान, ट्वीट करते हुए लिखा वजीर आजम से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश करूंगा, लोड शेडिंग से परेशान लोगों का तड़पना देखा नहीं जाता। अली जैदी भी फौरी सामने आए, लिखा मेरे होते हुए आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। नैब को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उजैर बलोच की पीटीआई में शमूलियत पर अली जैदी ने झूठ बोला, सारा ड्रामा अवाम दुश्मन पॉलिसियों और मौशी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है, जिस चीज का नोटिस लिया वो नायाब हो गई। एक्निक इजलास में 289 अरब के 4 मंसूबों की मंजूरी, वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 165 अरब मंजूर किए गए, M8 और सवात एक्सप्रेसवे मंसूबा भी शामिल।
मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया, अमवात की तादाद 5426 हो गई। आज मजीद 2145 केसेस रिपोर्ट हुए, मुतासरीन 257914 तक जा पहुंचे। पंजाब में मॉनसून का एक बार फिर धुआंधार स्पेल, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूटने से चेहरे खिल उठे, आवाम ने सुख का सांस लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, बहरिया टाउन और सुपर हाईवे पर तेज हवाओं के साथ बारिश। गुलिस्ताने जौहर और सादी टाउन में भी बादल बरस पड़े, डीजी मैट के मुताबिक शहर में कल तेज बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को जासूस कुलभूषण जाधव तक दूसरी बार कौंसलर रसाई दे दी। भारतीय नाजिमुल उमूर ने फर्स्ट सेक्रेटरी के हमरा कुलभूषण से सब जेल में मुलाकात करवाई। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कौंसलर रसाई वियना कन्वेंशन के तहत दी गई है। इस्लामाबाद से देखेंगे नवीद अकबर की रिपोर्ट। खारजा के तर्जमान ने बताया है कि आज दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात सफारतकारों ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की है। तर्जमान ने कहा है कि पाकिस्तान इससे कबल 2 सितंबर 2019 को भी कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दे चुका है, जबकि दोनों बार कौंसलर रसाई वियना कन्वेंशन के तहत दी गई है। पाकिस्तान ने 25 दिसम्बर 2017 को कुलभूषण यादव से उनकी वालदा और अहलिया की मुलाकात भी कराई थी। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण यादव केस से मुतलिक आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई 2019 के फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को 3 मई 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव ने दौरान हिरासत रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलह कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही का इतराफ किया है। नवीद अकबर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत के 2 सफारतकारों को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई दी गई। कुलभूषण के साथ भारतीय सफारतकारों का रवैया हैरानकुन था। भारतीय सिफारतकारों को दरमियान में शीशे पर एतराज था, जिसे हटा दिया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज किया, वो भी नहीं की। तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद सिफारतकार चले गए। कुलभूषण बार बार सिफारतकारों को पुकारता रहा, लेकिन वो ना रुके। भारत की बदनीयती सामने आ गई, ये कौंसलर रसाई ही नहीं चाहते थे। और अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाक ने नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली की पेशकश की है, तहम के इलेक्ट्रिक का सिस्टम 720 मेगावाट से जायद बिजली नहीं ले सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इकदामात की हिदायत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करने तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक टैरिफ और गैस की कीमतों के तायुन के निज़ाम से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर करने के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा और दीगर मुतल्लिक़ हुकाम शरीक हुए। के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक़ टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ पर गौर करते हुए इजलास को बताया गया कि रवां साल जनवरी में नेपरा की सिफारिशात के मुताबिक मुल्क भर में टैरिफ में इजाफा किया गया था, ताहम के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को औसतन 3 से 4 अरब रुपए महाना की सब्सिडी देना पड़ रही है। इजलास में फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक टैरिफ के हवाले से तमाम हकाइक अवाम के सामने रखे जाएं और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को मुल्क के दीगर हिस्सों के मुताबिक यकसा सतह पर लाने के लिए मरलावार इजाफा किया जाएगा, ताकि अवाम पर एकदम इजाफी बोझ न पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की कि LPG सार्फीन को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से जामे मंसूबा बंदी की जाए, ताकि आबादी के बड़े हिस्से को जो अपनी जरूरियात के लिए LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है, उनको मुमकिन हद तक रिलीफ फ्राहम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि गैस की कीमतों में तायुन के मसले को पायदार बुनियादों पर हल करने के लिए इस अहम इशू पर मशावरत की जाए, ताकि इज्तमाई हिकमत अमली से इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ असद उमर और अमीनुल हक की सिफारिश पर मुस्तरद करते हुए कराची में लोड शेडिंग पर भी नोटिस लिया और कहा कि कराची में लोड शेडिंग के मामले पर कड़ी नजर रखी जाए।
عوامی احتجاج اور حکومتی احکامات ایک جگہ، لیکن کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ برقرار ہے۔ شہر کے بیشتر مقامات تاریکی میں ڈوب گئے۔ کئی کئی گھنٹے جاری لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جب کہ الیکٹرک حکمرانوں کی نہیں سن رہا تو عوام کی کیا سنے گا۔ الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بار بار ہو رہی ہے، بل پورے پورے آ رہے ہیں لیکن لائٹ نہیں آ رہی ہے۔ بے پرواہ ادارہ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی پرواہ ہے، نہ فیڈرل کا ڈر ہے، نہ میئر صاحب کا کوئی روب ہے، ان کی اپنی بادشاہی ہے۔ عجیب ہی لائے وہ، ایک تو لاک ڈاؤن میں بیچ میں پانی کا مسئلہ، کبھی بجلی کا مسئلہ۔ دن کی لوڈ شیڈنگ اور رات کی 24 گھنٹے میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لائٹ آتی ہے۔ کے الیکٹرک کی جاری منمانیوں پر چیئرمین نیب نے بڑا ایکشن لے لیا۔ غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ، اربوں روپے کی اوور بلنگ اور حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی پر نیب کراچی کو کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کی ہدایت کر دی گئی۔ نیب اعلامیہ کے مطابق حکومتی معاہدے کے تحت کے الیکٹرک نے مبینہ طور پر بجلی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے مطلوبہ سرمایہ کاری کرنا تھی اور اس معاہدے کی مبینہ طور پر مکمل پاسداری نہیں کی گئی۔ نیب کراچی کو کے الیکٹرک سے معاہدے کی کاپی، متعلقہ دستاویزات اور سرمایہ کاری کی تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومتی اراکین بھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ رہنما تحریک انصاف عالمگیر خان نے قومی اسمبلی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمیوں پر آواز اٹھا دی۔ کہا کہ کراچی میں بجلی کا بحران پریشان کن ہے، عوام احتجاج کے طور پر کے الیکٹرک ملازمین کو کھمبوں سے باندھ رہے ہیں۔ میں